हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7। ओके, अभी दो दिन पहले ही मैंने इसकी वीडियो डाली है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है। और आज हम करेंगे इसके थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या है, देखिए अभी एक एक क्वेश्चंस को करते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को करते रहेंगे, इनका मीनिंग समझते रहेंगे। और आप जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप यहां से इसका रिवीजन कर सकते हैं, आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये चीज रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू द एल्डर्स ऑफ गोवा रिमेम्बर नॉस्टैल्जिकली। अब फीलिंग के साथ किस चीज को याद करते हैं गोवा के जो एल्डर्स होते हैं वो, अब देखते हैं क्या याद करते हैं। दे रिमेम्बर नॉस्टैल्जिकली द ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड द लूव्स ऑफ ब्रेड। दो चीजों को याद करते हैं, पहला याद करते हैं ओल्ड पोर्टुगीज डेज को, ठीक है, पुर्तगाल के लोगों ने रूल किया था, राज किया था गोवा के ऊपर, तो जो बूढ़े लोग हो चुके हैं अब वो याद कर रहे हैं उन दिनों को कि भाई बड़े ही अच्छे दिन हुआ करते थे। और जो ब्रेड मेकर्स थे, ओके, जो लूप्स बनाते थे ब्रेड की, उनको याद करते हैं, इन दो चीजों को याद करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। एक नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है, जैसे कि आपके एक्सट्रैक्ट्स आएंगे तो उनमें ये आ सकता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द टाइम टेस्टेड थिंग्स व्हिच स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। समय के साथ साथ ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदली है और वो गोवा के अंदर आज भी है। अब वो चीज है द फर्नेसेस ऑफ बेकर्स, जो बेकर्स होते थे ना, और जो उनकी फर्नेसेस होती थी, जो उनकी भट्टियां होती थी जिसमें वो अपने केक्स या फिर ब्रेड्स बनाया करते थे, सेका करते थे गोवा के अंदर। अ टाइम टेस्टेड थिंग्स विच स्टिल एग्जिस्ट, वो चीजें आज भी वहां पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द बेकर केम डेली कम डेली सॉरी व्हेन डिड द बेकर कम डेली। जो बेकर होता था वो दिन में कब आता था और कितनी बार आता था। आंसर है ही केम डेली ट्वाइस, वो दो बार आता था। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार तो वो सुबह आता था। व्हेन ही सेट आउट फॉर हिज सेलिंग, जब वो अपना सामान बेचने के लिए आता था, अपने जो ब्रेड बैंगल्स थे, ब्रेड्स थे, लूप्स थी, उनको बेचने के लिए आता था। एंड द अदर टाइम, और दूसरी समय तब आता था आफ्टर सेलिंग द ब्रेड। एक बार तो सुबह सुबह आ गया, अपने सामान बेचा उसने, ठीक है, और फिर वापस जाते समय, तो दो बार वो आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द बेकर्स प्लेस इन गोवा इन द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज। यहाँ पर ये इन है, ठीक है, इसको इन कर लेते हैं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। इन दोज डेज द बेकर वॉज द फ्रेंड, उन दिनों जो बेकर था वो नैरेटर का क्या हुआ करता था, ऑथर का क्या था, दोस्त था, कंपेनियन था और गाइड था। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द एंट्री ऑफ द बेकर डिस्क्राइब। अब जो बेकर की जो एंट्री है, जब वो सुबह सुबह आता था, वो किस तरीके से डिस्क्राइब की गई है इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। द एंट्री ऑफ द बेकर इज डिस्क्राइब्ड एज म्यूजिकल, जो बेकर की एंट्री है उसे म्यूजिकल डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि वो एक बैम्बू की स्टिक लेके आता था अपने साथ, जिसपे कुछ बेल्स या फिर घुंघरू आप बोल सकते हो वो लगे हुए होते थे, और जिसको वो बजाता हुआ जमीन पर आता था, जिससे जो नैरेटर है, जो हमारा ऑथर है, वो जाग जाता था। व्हाट डिड द ऑथर एंड द अदर चिल्ड्रन डू टू लुक इन टू द बेकर्स बास्केट। जब सुबह सुबह बेकर अपना सामान बेचने के लिए आता था, तो जो जो ऑथर है और उसके जो दूसरे दोस्त हैं वो उसकी बास्केट में कैसे देखते थे। अब देखते हैं, आंसर है दे वुड क्लाइंब अ बेंच, वो या तो किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे और द पैरापेट, या फिर किसी रेलिंग के ऊपर चढ़ जाते थे टू लुक इन टू द बेकर्स बास्केट, बेकर की बास्केट में देखने के लिए वो या तो किसी स्टूल के ऊपर जो है चढ़ जाते थे, या फिर किसी रेलिंग के ऊपर चढ़ जाते थे और उसकी बास्केट में झांक कर देखते थे। अब आगे करते हैं, ये 10 क्वेश्चन ही करेंगे हम, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स को भी हम देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रेस वॉर्न बाय द बेकर इन ओल्डन डेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में भाई साहब
वाज नोन विद द नेम ऑफ कबाई, और वो जो ड्रेस पहना करते थे उसका नाम था कबाई. व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? गोवा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा. अच्छा, जो बेकर्स थे वो कबाई नाम की एक ड्रेस पहनते थे और उनको पैडर बोला जाता था. उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की. व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बेकर ऑफ गोवा? गोवा के अंदर जो बेकर थे उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था, मतलब उनके पास पैसा था या पैसा नहीं था या बस ठीक ठाक ही थे. देखते हैं इसका आंसर. अ बेकर ऑफ गोवा इज मोस्ट फाइनेंशियल पोजिशन. साउंड फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब है कि वो समृद्ध थे, उनके पास भरपूर मात्रा में पैसा होता था. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कबाई? कबाई क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता क्वेश्चन है. ओके, अ कबाई इज अ टाइप ऑफ फ्रॉक मेड आउट ऑफ अ सिंगल पीस क्लोथ. कबाई जो है वो एक फ्रॉक की तरह है जिसे एक सिंगल क्लॉथ से बनाया जाता है. ठीक है, तो ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए हैं. आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दोबारा से समझा देंगे. और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हमारा जो ऑनलाइन बैच है फॉर 10th क्लास, इट इज जस्ट ओनली इन 199 रुपीज. सिर्फ 199 रुपए में आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस कराया जाएगा मंथली. ये इसकी फीस है. आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पे पेटीएम करो, हमें कॉल करो, और फिर उसके बाद हम आपको अपनी जो क्लास है उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हम आपकी जो क्लासेस है ऑनलाइन क्लासेस वो शुरू कर देंगे. ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं. ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन. और फर्स्ट क्वेश्चन है, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? अच्छा, जो ब्रेड है क्या वो गोवा के लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है? हाउ डू यू नो दिस, और आपको ये कैसे पता चलता है? आंसर आप लिखेंगे, ब्रेड इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ. गोवा में जो लोग रहते हैं उनके लिए ब्रेड आज भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उनके लिए ब्रेड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस एंड अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. अगर कोई शादी है, ठीक है, वो शादी में आप गिफ्ट लेके जाते हैं, या फिर कोई पार्टी है, या फिर कोई फेस्ट है, कोई दावत है, अगर उसमें ब्रेड ना हो तो भाई साहब उसकी जो शानो शौकत है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. सैंडविचेस आर इम्पोर्टेंट फॉर डॉटर्स इंगेजमेंट. अगर किसी की डॉटर की इंगेजमेंट है तो उसमें सैंडविच होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, आज भी इम्पोर्टेंट है. दैट इज वट दैट एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट द ब्रेड मेकर्स आर स्टिल देयर. और यही इस बात का सबूत देता है कि जो ब्रेड मेकर्स हैं आज भी गोवा के अंदर हैं, और वो आज भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं गोवन लाइफ के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश. क्वेश्चन नंबर टू पे हम जल्दी से आ जाते हैं. और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट मार्क्स ऑफ द पोर्तुगीज वे ऑफ लाइफ कैन स्टिल बी सीन इन गोवा. गोवा के अंदर पोर्तुगीज जीवन शैली की कौन कौन सी चीजें देखी जा सकती हैं? अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, गोवा वॉज वंस ऑक्यूपाइड बाय द पोर्तुगीज. गोवा जो है एक बार पहले पास्ट में पोर्तुगीज लोग इस पे राज करते थे, रूल करते थे. दे वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लूप्स ऑफ ब्रेड, और वो ब्रेड की लूप्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे. दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग एगो, हालांकि वे बहुत ही पहले चले गए हैं गोवा को छोड़कर, बट द ट्रेडिशनल वर्क, लेकिन ये जो उनका ट्रेडिशनल वर्क है, पारंपरिक वर्क है ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा. जो बेकिंग का जो पारंपरिक वर्क है पोर्तुगीज का वो आज भी गोवा के अंदर देखा जा सकता है. द फर्नेसेस इन विच द ब्रेड वॉज बेक्ड, वो भट्टियां जिनमें ब्रेड बनाए जाते थे बेक स्टिल एग्जिस्ट देयर, वो आज भी गोवा के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश. क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं. व्हाट डज द ऑथर रिकॉल अबाउट द विजिट ऑफ द बेकर टू हिज विलेज? ओके, जब उसके गांव में बेकर आता था तो अब उसके बारे में क्या बातें ऑथर को याद है,
देखते हैं। द ऑथर रिकॉल्स, ऑथर को ये बातें याद हैं दैट अ बेकर यूज्ड टू विजिट द विलेज ट्वाइस, के जो बेकर है वो दिन में दो बार आया करता था उनके गांव में। ही यूज्ड टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड, और वो ऑथर का दोस्त हुआ करता था और उसका गाइड हुआ करता था। ही यूज्ड टू कैरी अ बैम्बू स्टिक, वो एक बैम्बू की छड़ी अपने साथ रखता था। द साउंड ऑफ दिस स्टिक, और इस स्टिक का जो साउंड है, यूज टू वेक अप द ऑथर, इससे जो ऑथर है हमारा इस चैप्टर का वो जाग जाया करता था। एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप, ऑथर और जो बाकी के बच्चे हैं परिवार में, घर में, पड़ोस में, दोस्त जो है उसके, वो सारे के सारे जाग जाया करते थे। तो इस तरीके से बेकर ऑथर के आने को रिकॉल करता है, याद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, आज हम इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन तक ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा काम करो और अच्छा काम करो, जिससे आपको आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज द विलेज बेकर, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी कुछ थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा आगे से पीछे से, तो उसको अवॉइड करना है, सिर्फ काम की चीजें देखनी है, सिर्फ काम पे फोकस करो। हाउ वॉज द विलेज बेकर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल ओकेजन इन विलेज। अच्छा, जो विलेज है गोवा का, जो विलेज है, कुछ ओकेजन्स होते हैं जैसे शादी ब्याह है, पार्टी है, फेस्ट है, उसमें बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों महत्वपूर्ण थे, अब देखेंगे। द विलेज बेकर वॉज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर फेस्टिव ओकेजन्स, और जो ये विलेज में बेकर्स हुआ करते थे फेस्टिव ओकेजन्स पे बड़े ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती थी। द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द ब्रेड, और जो गांव के रहने वाले लोग थे वो स्वीट ब्रेड के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। नॉन एज बोल, जिसे बोल कहा जाता था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में आ सकता है कि जो स्वीट ब्रेड है उसको क्या कहा जाता है, उसे बोल कहा जाता है। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस, मैरिज के जो गिफ्ट्स अगर मिलते थे वो बिल्कुल मीनिंगलेस होते थे अगर उनके अंदर स्वीट ब्रेड्स ना दिए जाएं। सैंडविचेस, केक्स एंड बोलिहस, ये एक ही शब्द लिखा हुआ है, बीन अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। ओके, सैंडविचेस, केक और बोलिहस जो थे क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। दीज वर मेड विद द ब्रेड, और ये सब जो है ब्रेड से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिस्क्राइब द ब्रेड सेलर्स ड्रेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपका आ सकता है। द बेकर और द ब्रेड सेलर वोर अ स्पेशल पेस्क्यूलर ड्रेस, बेकर या फिर बैडर या फिर ब्रेड सेलर्स एक ही बात है, ये एक बड़ी ही अलग तरीके की पोशाक पहनते थे। इट वॉज नॉन एज कबाई, और उनकी ड्रेस को क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक था, इट रीच्ड डाउन टू द नीज, और ये घुटनों तक पहुंचता था। ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड, और नैरेटर के बचपन में, बेकर्स वॉर ट्राउजर्स, बेकर्स जो थे वो ट्राउजर्स पहनते थे विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी लेंथ से छोटे थे, मतलब घुटनों से थोड़े से बड़े थे। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो हाफ पैंट होती थी उनसे थोड़े से बड़े थे, मतलब जो आपके पैर का घुटना है ना, ठीक है, देखो ये मैंने डिजाइन बना दिया, थोड़ा सा घुटने का ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इस पे, तो ये जो घुटना है इससे थोड़ी सी नीचे पे वो जो ट्राउजर था वो होता था, मतलब जैसे आजकल हम कैफे वगैरह पहन लेते हैं उस तरीके से। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। हाउ वुड यू प्रूव दैट बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो बेकिंग है वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, आप इस चीज को कैसे बताएंगे। इन द ओल्ड डेज इन गोवा, गोवा में जो पुराने दिन थे उनमें ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, प्रोफेशन था, कैसे बताएंगे आप, चलिए देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आप आंसर में क्या लिखेंगे, बेकिंग वॉज क्वाइट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन गोवा इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बेकिंग जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था गोवा के अंदर। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप, और जो बेकर था और जो उसका परिवार था वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। इवन हिज सर्वेंट्स कुड मीट बोथ द एंड्स इजिली, बोथ द एंड्स इजिली का मतलब है अपना जीवन यापन करना, अपनी जीविका को अच्छे तरीके से जुटा लेना, तो यहाँ तक कि जो उनके नौकर थे वो भी अच्छे तरीके से जीवन बिताते थे। He and his family always looked happy. Baker और उसका परिवार हमेशा खुश नजर आते थे and prosperous और समृद्ध नजर आते थे।
देयर प्लम फिजिक, प्लम का मतलब होता है मोटा आदमी, ठीक है। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, उनकी खुशी और उनकी समृद्धि दिखाई देती थी उनके प्लम फिजिक में। जैसे आजकल बहुत सारे मोटे मोटे लोग होते हैं ना, बड़ा पैसा होता है उनके पास, ठीक है, इस तरीके से। ओके भाई, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप देखो, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उनको लिख सकते हो, उनको याद कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया करूँगा, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको बस उनको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। व्हाट डू द एल्डर्स रेमिनिस अबाउट एंड व्हाई, जो ओल्ड एल्डर्स हैं हमारे वो किस चीज को याद करते हैं। अब देखो किस चीज को याद करते हैं, द एल्डर्स Reminisce nostalgically about good old Portuguese days, जो हमारे बड़े हैं, elders हैं, वो पोर्तुगीज के उन अच्छे दिनों को याद करते हैं। And the Portuguese loaves of bread, और जो पोर्तुगीज की जो ब्रेड है उनको याद करते हैं। The loaves of bread were an integral part of Goan life, जो loaves of bread है वो एक अंदरूनी पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवन लाइफ का। मैरिजेस वर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड, और अगर किसी शादी में स्वीट ब्रेड ना हो तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस होती थी शादी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन हर डॉटर्स इंगेजमेंट, और घर में जो लेडीज होती थी वो अपनी डॉटर की इंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस को बनाती थी। क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स मस्ट हैव केक्स एंड बोलियंस, और जो क्रिसमस या फिर दूसरे जो फेस्टिवल्स होते थे उनमें केक्स और बोलियंस होता था, ये एक तरीके का ब्रेड है। दे स्टिल रिमेम्बर द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग, और जो हमारा नैरेटर है आज भी याद है कि किस तरीके से जब जो हमारा बेकर है वो सुबह आता था तो जिंगलिंग साउंड करते हुए आता था, क्योंकि उसके पास एक बैम्बू की स्टिक थी और उस पर कुछ बेल्स या फिर घुंघरू उसने बांधे हुए थे जिसको वो जमीन पर बजाते हुए आता था। तो भाई ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं जो आज हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं। आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हमारा जो नंबर है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमसे कॉल करके आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अभी हमने ऑनलाइन बैच इसका स्टार्ट किया है, एंड दैट इज इन 199 rupees, सो आई होप सो यू विल कॉल अस एंड वी विल मीट ऑन आवर ऑनलाइन जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।